बाड़मेर के बालोतरा पुलिस का एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो सब्जी वाले से पैसे लेकर देख रहे हैं। सब्जी वाले से पैसे लेकर जीप में बैठे पुलिस वाले को एक शख्स पैसा दे रहा है। हल्ला मचने पर एसपी ने जांच के आदेश जारी किए हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हुआ है। बाड़मेर जिले के बालोतरा कस्बे में ट्रैफिक पुलिस द्वारा सब्जी ठेले वाले से पैसे वसूलने का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस का कहना है अवधि में निर्धारित समय के बाद भी ये ठेले वाला वहां पर चाल खड़ा था, इसलिए चालान काटने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन वीडियो में चालान काटते पुलिस नहीं दिखाई दे रही है, ना ही कोई पावती देती दिख रही है। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने वायरल वीडियो को गंभीरता से लेते हुए उनकी जांच सीओ बालोतरा के करवाने के निर्देश दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर बाड़मेर पुलिस द्वारा सब्जी ठेले वाले से पैसे लेने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में ठेले वाले से लेकर पुलिस को देने वाला शख्स कौन है, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा का कहना है कि वीडियो की जांच की जाएगी। वीडियो अभी का है, लॉकडाउन अवधि के दौरान निर्धारित समय के बाद भी ठेले वाले वहां पर खड़े थे तो चालान काटा था, इसके पैसे उन्होंने लिए हैं। उन्होंने कहा कि वीडियो मेरे ध्यान में आते ही इनकी जांच बालोतरा सीओ को दी है। एसपी का कहना है कि जिस ठेले वाले से पैसे लिए इसके बयान करवाए जाएंगे और चालान बुक को चेक किया जाएगा। पूरा वीडियो 4 मिनट और 4 सेकेंड का है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ जो कि 4 मिनट का है। वीडियो में ये दिख रहा है कि एक जीप पुलिस की खड़ी है और जीप का नंबर भी दिखाई दे रहा है। जीप में पुलिस वाला बैठा है। एक सिविल व्यक्ति आता है और ठेले वाले से गालियां देते हुए पैसा निकालता है और पैसा लेकर जीप में बैठे पुलिस वाले को पैसा दे देता है। एक पुलिस वाला जीप से थोड़ी दूर किसी से बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब 1-1.5 मिनट बाद ट्रैफिक पुलिस का जवान आता है तो वीडियो बनाने वाला बाइक से के वहाँ से चला जाता है और बाद में बोलता है कि ये देखो, ये बालोतरा पुलिस है जिन्होंने ठेले वाले से पैसा लिया है। हालांकि वीडियो बनाने वाले का चेहरा सामने नहीं आया, लेकिन सोशल मीडिया वाली वीडियो वायरल हो गया। अब इस वीडियो की जाँच की जा रही है। एक तरफ लोग जहाँ कोरोना महामारी से गुजर रहे हैं और दूसरी तरफ पुलिस इस तरह के पैसे लेती है, तो इस मामला गंभीर हो जाएगा। जांच करने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर पूरा मामला है क्या। आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं। Thank you.